महाविकास अघाड़ी को मुसलमानों और अल्पसंख्यकों के लिए 15% उम्मीदवारी की घोषणा करनी चाहिए। हटपसर से हाजी रशीद शेख की उम्मीदवारी की मांग की गई है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी की तरफ से मुस्लिम और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों को 15% उम्मीदवारी होनी चाहिए। ये मांग पूर्व स्थायी समिति अध्यक्ष रशीद शेख ने आज पुणे के कोटवा इलाके के सिटी लॉन्च में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में की है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि बरकातुहू। आज पुणे मुस्लिम कॉन्फ्रेंस था, उसके अंदर हमने लोगों से बात रखी कि भाई हमने शरद पवार से मिले, सुप्रिया दाई से मिले, नाना पटोले से मिले, इस सब महाविकास आघाड़ी के सब लोगों से मिले और उनसे एक ही बात कहा कि हमने मुसलमान की नुमाइंदगी देने वाले या नहीं देने वाले, क्योंकि लोकसभा में हमने वन साइड वोट देके इनको जीता है। ये लोग खुद भी मानते हैं, ये लोग खुद भी जानते हैं कि मुसलमानों की वजह से आज हम आए। जब मुसलमानों की वजह से आए तो मुसलमानों को कम से कम हम चाहते हैं कि पुणे में 21 टिकट दे, तो 2 टिकट तो मुसलमान को दे, कम से कम 2 दे। काकी मांग के लिए आपने एक हड़प सर की और कस्बा बेड की वहाँ जब मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है, अगर वहाँ तुम पार्टी टिकट देती है और तुम्हारे पार्टी के वोट और मुस्लिम वोट मिलाते हैं तो जीतने की चांसेस ज़्यादा है। अगर आपको टिकट नहीं मिलता है मुस्लिम उम्मीदवार को, तो अगला डिसीजन आपका क्या होगा? सब बैठ कर मशवरा करेंगे क्या करना है। टिकट नहीं मिलने की बात है, फिर इंशाल्लाह सब ऑलमा बैठेंगे, सारे तंजीमें बैठेंगे और डिसाइड करेंगे क्या करना है फिर इंशाल्लाह। इस कॉन्फ्रेंस को जमीयत उलेमा पुणे नेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर माइनॉरिटी इंकलाब सोशल मूवमेंट और सभी मुस्लिम सामाजिक कार्यकर्ता और मुस्लिम समाज की ओर से आयोजन किया गया था। इस कॉन्फ्रेंस के मुख्य वक्ता और मार्गदर्शक उलमा ए दिन थे। जमात उलमा हिंद, दोनों जमात उलमा हिंद के लोग थे इसके अंदर और तमाम तंजीम के लोग थे और हड़पसर कोंडवा रामटेकड़ी तुम्हारा केशव नगर हर जगह से लोग आए हुए थे। हम लोगों ने मुस्लिम समाज की तरफ से हड़पसर के लिए टिकट मांगे है और साहब ने बोले हम इसके ऊपर बात करेंगे, तभी देखते दो तीन दिन में क्या होता, फिर जो समाज फैसला करेंगे वो फैसले की तरह हम जाएंगे। अगर टिकट नहीं मिलता आपको हाँ, तो आपकी अगली भूमिका क्या रहेगी? फिर वो अभी समाज के साथ, अभी समाज ने सब बोले मुस्लिम समाज के उलमा लोगों ने कि हम दो दिन के बाद बैठ के फिर उस पर फैसला करेंगे। तो उसमें ठीक हड़पसर मतदार संघ के मुस्लिम समाज को आप क्या ऐलान करना चाहते हैं? अभी नहीं, उसके लिए वक्त है, अभी तो कोई भी ऐलान नहीं कर सकता। लेकिन अजीत पवार ने एक मुस्लिम MLC दिया, उनका दिल से मैं शुक्र अदा करता हूँ अजीत पवार का। अजीत उन्होंने बताया कि मैं सेक्युलर हूँ और वो सेक्युलर काम कर रहे हैं। मुस्लिम समाज के सभी गणमान्य व्यक्तियों एवं समाज सेवियों का एक ही नारा है, कब तक मुस्लिम समाज केवल वोट बनकर रह जाएगा? हमें सत्ता में हिस्सेदारी कम मिलेगी, अगर हमें अब सत्ता में हिस्सेदारी नहीं दोगे तो हम महाविकास अघाड़ी का साथ इस विधानसभा चुनाव में नहीं देंगे। आज जो पुणे मुस्लिम कॉन्फ्रेंस हुई, बहुत शॉर्ट टाइम पे प्रोग्राम तय हुआ, कल हम लोगों ने इसका इरादा किया और ये आज बुलाया गया। प्रोग्राम का मकसद सिर्फ इतना था कि पिछले लोकसभा में मुसलमानों ने बड़ी तादाद में महाविकास अघाड़ी को सपोर्ट किया, बिना कोई शर्त और बगैर किसी डिमांड के उनको सपोर्ट किया। इसलिए कि उस वक्त में जो हालात थे, मुल्क के हालात, मुसलमानों पर तरह तरह के जुल्म ढाए जा रहे थे, संविधान को बदलने की बात की जा रही थी, मुसलमान एक खौफ के माहौल में था और उसने पूरी ताकत के साथ में महाविकास अघाड़ी को जिताया। लेकिन उस वक्त में भी हमने इसी हॉल के अंदर महाविकास अघाड़ी के जो चारों खासदार पुणे लोकसभा के पुणे ज़िले के जो थे, उनको हमने डिमांड रखी थी, 16 नुकाते मेमोरेंडम उनको हमने दिया था कि ये डिमांड है, ये डिमांड। उसमें हमने एक डिमांड ये भी रखी थी कि आने वाले विधानसभा में आप जो कम से कम पुणे में 2 सीट मुसलमानों को देंगे, 21 सीटें हैं पुणे के अंदर, 2 सीटें आप देंगे और पूरे महाराष्ट्र में मुसलमानों की जो आबादी है 13%, वो हिसाब से 40 सीटें कम से कम मुसलमानों को देना चाहिए। लेकिन देखने में ये जा रहा है कि हर आने वाले विधानसभा में मुसलमानों की तादाद बढ़ती नहीं है, घटती चली जा रही है। आज 10 और 12 जो मुसलमानों की विधानसभा में जो तादाद है, अभी बातें सामने आई कि हो सकता है कि घट के जो 6 हो जाए, हो सकता है कि ख़त्म हो जाए। तो हम ये चाहते हैं कि हमारा जो तनासुब है वो बढ़े, ताकि हम पे जो होने वाले मजालिम है, मॉब लिंचिंग है, हॉट स्पीच है, हर तरीके से मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, जब हमारा अपना आदमी होगा, भले वो आपकी पार्टी से हो, तो हमारी आवाज़ और सही तर्जुमानी विधानसभा में और दीगर जगहों पर कर सकेगा। तो हम चाहते हैं कि हमारे साथ में इंसाफ हो, ये जो नाइंसाफ़ी हो रही है सियासी एतबार से ख़त्म हो जाए, इसीलिए कौम को हमने बेदार करने का काम किया था। और हम आज जो इनको इस प्रोग्राम के जरिए चेतावनी भी देना चाह रहे थे कि आप हमेशा हमको बेवकूफ़ बनाकर क्या करते हैं, डरा कर जो है भाजपा से और दूसरे लोगों से डरा कर कि ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा और हमारे वोट ले लेते हैं।
इस मरतबा मुसलमान जागा हुआ है। अगर आपने दो दिन में मुसलमानों के नामों का इजहार नहीं किया, हो सकता है कौम के जिम्मेदार बैठकर आपके खिलाफ भी फैसला कर दे कि हमको आपको चलाना नहीं है, कोई और फैसला भी हम कर सकते हैं। अगर मुस्लिम कैंडिडेट दिया हाँ तो वोट बटने वाला, समझो इनने टिकट नहीं दिए तो ना मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा रहा तो वोट बट के बीजेपी को फायदा हो सकता है। हाँ, हम ये हमारी ये कोशिश होगी कि फिरका परस पार्टियों को हमारा जो है हमारा वोट तकसीम ना हो, फिरका परस पार्टियों को ना जाए। लेकिन अगर यही बात हमेशा दोहरा दोहरा कर हमको जो ये किया जाएगा और टिकट नहीं दिया जाएगा तो कौम जो है हम कब तक जो कौम को समझाएंगे। यहाँ कौम के लोग अलग अलग राय आई और उन्होंने कहा कि भाई आप आज़ाद लड़ने की बात कीजिए, हम सब मिलकर जो उसको जिताएंगे, ये भी बातें हैं। तो और भी ऑप्शन है हमारे पास में, यही नहीं है, दो तीन ऑप्शन हमारे पास में और भी, हम कौम के जिम्मेदार बैठेंगे उस पर भी। इस मांग को लेकर महाविकास अघाड़ी के सभी नेताओं को सोचना चाहिए। हाल ही में हुए लोकसभा चुनावों में संविधान को बचाने और देश में धार्मिक ध्रुवीकरण के माहौल को खत्म करने के उद्देश्य से मुस्लिम और अल्पसंख्यक समुदायों ने राज्य में इंडिया अलायंस और महाविकास अघाड़ी को भारी वोट किया है और जनता पार्टी के नेतृत्व वाली महायुति को हराया है। इस अवसर पर लोकसभा चुनाव में मुस्लिम समुदाय द्वारा बिना किसी नियम और शर्तों के किए गए मतदान के अनुसार उचित प्रतिनिधित्व के मुद्दे पर महाविकास अघाड़ी द्वारा पूर्व में किए गए वादों को पूरा किया जाना चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर माइनॉरिटी के अध्यक्ष राहुल डुम्बाले ने बताया है कि 15% प्रतिनिधित्व की मांग का निवेदन राज्य के महाविकास अघाड़ी के नेताओं शरद चंद्र पवार, उद्धव ठाकरे और नाना साहब पटोले को लिखित रूप में भेजा गया है। आपने देखा रहेगा जिस तरीके से विधानसभा के जो इलेक्शन, लोकसभा के जो इलेक्शन हुए, इस लोकसभा इलेक्शन में माइनॉरिटी ने, खासकर मुसलमानों ने इस बात को प्रूफ किया है कि इंडिया का राजकारण, इंडिया की पॉलिटिक्स में मुसलमानों का कितना बड़ा रोल है। ये बात शिवसेना ने भी माना है, राष्ट्रवादी ने भी माना है, कांग्रेस ने भी माना है, दीगर सभी लीडर ने इस चीज़ को माना है कि मुसलमानों का रोल लोकसभा में बहुत बड़े और मजबूत पैमाने पर रहा। इसके बावजूद हर बार की तरह इस बार भी मुसलमानों को सिर्फ यूज़ एंड थ्रो करने का काम सभी पॉलिटिकल पार्टियां कर रही है। आपने देखा लोकसभा में भी इतनी स्ट्रांग भूमिका मुसलमानों की होने के बावजूद भी एक भी टिकट मुसलमानों को नहीं दिया गया और आज भी सिनेरियो वही है कि मुसलमानों को आज भी इस्तेमाल किया जा रहा है सिर्फ वोटों के लिए, अपनी सत्ता हासिल करने के लिए। बीजेपी का डर दिखा के, भूत दिखा के किस तरह से मुसलमानों को वन साइड किया जाए, ये कुछ पॉलिटिकल लीडर्स, कुछ हमारे लीडर्स ये चीज़ें करते आ रहे हैं। लोकसभा में भी यही हुआ कि बीजेपी को हराना है, बेशक बीजेपी को हराना है, लेकिन मुसलमानों की वोट की कुछ अहमियत है क्या नहीं, ये सवाल आज पूरे इंडिया भर में, महाराष्ट्र भर में है और हर पॉलिटिकल पार्टी से ये सवाल है हमारा कि मुसलमानों की वोटों की कुछ अहमियत आपकी नज़रों में है या नहीं। अगर है तो मुसलमानों को उनकी हिस्सेदारी उनके तादाद के उस हिसाब से, उनकी ताकत के हिसाब से उनको मिलनी चाहिए, ऐसी डिमांड हम इंडियन मुस्लिम फ्रंट के माध्यम से और पुणे के मुसलमानों की तरफ से सभी पॉलिटिकल पार्टीज को करते हैं। तो हम समझते हैं कि आप लोग इसका गहराई से और संजीदगी से इसका संज्ञान लेंगे और इस बार मुसलमानों को सत्ता में भागीदारी जरूर देंगे, ऐसी हम वापस फिर से और एक बार अपेक्षा करते हैं। धन्यवाद। अल्पसंख्यक समाज को विधानसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी कितनी सीट देगी, ये 22 अक्टूबर तक ऐलान करना जरूरी है। पश्चिमी महाराष्ट्र का हाटपसर निर्वाचन क्षेत्र मुसलमानों के लिए सुरक्षित है, इसलिए हमारे पास इस निर्वाचन क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करने का अवसर है। चूंकि इस स्थान से उम्मीदवारी पुणे जिले के 21 विधानसभा क्षेत्रों और पश्चिमी महाराष्ट्र के 84 निर्वाचन क्षेत्रों में सकारात्मक संदेश जाएगा। महाविकास अघाड़ी मेरी उम्मीदवारियों का फैसला जल्द से जल्द लेगी, ऐसी उम्मीद करते हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रशीद शेख ने जताई और आगे बात करते हुए रशीद शेख ने कहा कि निर्वाचन की पूरी तैयारी कर ली गई है और निर्वाचन क्षेत्र के 20 से ज़्यादा बैठकें हो चुकी हैं। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की जीत चौंकाने वाली है और ये इंडिया अलायंस के डबल रवैये के कारण अल्पसंख्यक और धर्मनिरपेक्ष मतदाताओं की नाराजगी का नतीजा है। हम नहीं चाहते हैं कि महाराष्ट्र में इसकी पुनरावृत्ति हो, इसलिए महाविकास अघाड़ी से तत्काल निर्णय लेने की अपेक्षा है। मुस्लिम नेता जाहिर शेख ने ऐसी भूमिका पेश की है। हटपसर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से स्थायी समिति के पूर्व अध्यक्ष और अल्पसंख्यक समुदाय के नेता रशीद शेख और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP द्वारा नामित किए जाने की मांग करते हुए
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद चंद्र पवार से मिलकर जमीयत उलमा संगठन के लिए जिला अध्यक्ष मुफ्ती शाहिद और प्रतिनिधि मंडल ने किया है। जमीयत उलमा संगठन के मुफ्ती शाहिद ने सुझाव दिया है कि इस पर सकारात्मक रूप से विचार करना चाहिए। राज्य के 40 विधानसभा क्षेत्रों में मुस्लिम मतदाता निर्णायक हैं और 20 से 22 सीटों पर उनका अपने दम पर चुना जाना तय है और स्थानीय दावेदारों की परीक्षा चल रही है। यह जानकारी नेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर माइनॉरिटी के महासचिव लुकास केदारी ने दी है। पूना से FSA न्यूज़ के लिए मुन्ना मुसावर की खास रिपोर्ट। राष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकीमध्ये पुणे शहर पुणे जिल्ह्यातील एकूण 21 विधानसभा मतदारसंघ आहेत। त्यापैकी किमान 2 विधानसभा मतदारसंघामध्ये विशेष करून हडपसर विधानसभा मतदारसंघामध्ये मुस्लिम समाजाला उमेदवारी देण्यात यावी यासाठी आज रोजी हडपसर विधानसभा मतदारसंघाच्या क्षेत्रामध्ये एक मुस्लिम समाजाची प्रमुख पदाधिकाऱ्यांची बैठक आयोजित करण्यात आली होती। त्याच्यामध्ये ही मागणी करण्यात आली, जर महाविकास आघाडीने मुस्लिम समाजाला उमेदवारी दिली नाही तर येणाऱ्या भविष्यकाळात काय निर्णय घ्यायचा, ते भविष्यात मुस्लिम समाजाचे प्रमुख पदाधिकारी आणि नेतेमंडळी निर्णय घेतील। धन्यवाद। पढ़ते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल डेली न्यूज़पेपर।